साथियों ये चल रहा है फ्लावर का बूमिंग टाइम। आप देख रहे हो इस पौधे में कितने जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। मिठे का ये पौधा है जो कि एक सिट्रस की वैरायटी है। फ्रूट इसका बहुत ही लाइट होता है, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है मीठा फ्रूट, क्योंकि इसमें जो सिट्रस वाले गुण हैं वो भी सारे आ जाते हैं, साथ ही साथ थोड़ा स्वीट भी होता है। ये मौसमी की तरह ये फ्रूट होता है मीठा, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हो, ये मीठा इस तरह से दिखता है ये फ्रूट। और ये इसका पौधा है। इसके पौधे में एक और ख़ास बात है कि इसके फ्लावर में जो महक आती है वो बिल्कुल ऐसी आती है जैसे मोगरे में आती हो। और फ्लावर की जो शेप है वो भी आप ये देखिए, फ्लावर की जो शेप है बनावट वो भी आप देखिए मोगरे की तरह ही होती है इसमें, ये देखिए। तो बहुत ही शानदार इसमें से खुशबू आती है। जब आप इससे साइड से निकलोगे तो आपको एक अलग ही फ्रेग्रेंस का एहसास होगा। अब जो ये टाइम चल रहा है, ये फ्लावरिंग का टाइम तो है ही है हर पौधे में, साथ ही साथ नए पौधे लगाने का भी बेस्ट टाइम है ये, क्योंकि अब जो है मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है और पौधों में एक नई बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारी नर्सरी है और सभी पौधे में बहुत ही शानदार ग्रोथ है। ये देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को इनमें मिल रही है। इसका अगर इस टाइम में कोई भी किसान या बागवान अपने पौधे लगाता है तो इसके उसको बहुत ही ज़बरदस्त फायदे होते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि अगर इस टाइम आपने पौधा लगा लिया फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में, तो उससे क्या होगा कि पौधे में ग्रोथ तो चली रही है, साथ साथ जब जून जुलाई का टाइम आएगा जब तक, तो तब तक आपका पौधा आपकी ज़मीन से यूज टू हो जाएगा और एक अच्छी ग्रोथ तक जून जुलाई तक पहुँच जाएगा। और जब होगी बरसात, तो बरसात आते ही बहुत ही शानदार आपके पौधे में ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, जो कि आप जो जून जुलाई में पौधा लगाओगे तो उस टाइम उतनी पौधे में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे उचित समय चल रहा है पौधे लगाने का। तो पौधे भी आप देख सकते हो, ये हमारे अलग अलग ब्लॉक में हर वैरायटी के अलग अलग रखे हुए हैं। ये जो आप साइड में देख रहे हो ये आड़ू के पौधे हैं, इस साइड आलू बुखारा है, फिर उसके बाद आलू बुखारे की दूसरी वैरायटी है, फिर आड़ू की नेक्स्ट वैरायटी है, फिर नाशपाती है, फिर नेक्ट्रीन है। तो ये सारी अलग अलग वैरायटियों के अलग अलग यहाँ पे हमने पौधे हर ब्लॉक वाइज रखते हैं, ताकि कोई भी वैरायटी मिक्स ना हो और किसान जो वैरायटी मांगे उसको वही वैरायटी हम दे पाएं। उसके अलावा एक और बहुत ही स्पेशल क्रॉप होती है पपीता की। काफ़ी किसानों के मन में ये रहता है कि आप पपीता लगा के कम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पपीता की अगर आपको पौध लगानी है तो उसका भी सबसे अच्छा समय यही है पपीता लगाने का। पपीता में जो हमारे पास वैरायटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी नर्सरी है, वो पपीता की नर्सरी है। ये हमने यहाँ पे शेड नेट में रखे हुए हैं, वाटरप्रूफ शेड नेट में हमने रखे हुए हैं। तो ये देखिए आप, ये जो वैरायटी है ये है पपीता की रेड लेडी 786 टिश्यू कल्चर से। तो पपीता में सबसे उच्चतम वैरायटी इसको अब तक की माना गया है, और अब तक जो लगती है सबसे ज़्यादा स्केल पर वो इसी वैरायटी को किसान लगाते हैं। ये जो आप साइड में भी देख रहे हो पिक्चर, ये रेड लेडी ही वैरायटी है। और ये मैंने इसकी फ्रूटिंग के टाइम की वीडियो है, जब एक किसान के बाग में गए थे उस टाइम पर ये वीडियो हमने बनाई थी, जो कि पौधे हमसे गए थे। उसके बाद साथ ही साथ सिट्रस में हमारे पास नींबू का भी नया लोट आ चुका है, जो कि डायरेक्ट CCRI नागपुर से आता है। उसके भी मैं आपको पौधे दिखाता हूँ। ये हमारे सिट्रस का नया लोट है, ये देखिए आप, ये डायरेक्ट CCRI नागपुर से ही आते हैं पौधे। आप पैकेट साइज़ देखिए, काफ़ी अच्छा पैकेट साइज होता है, काफ़ी अच्छा पौधा होता है। और इसमें नींबू में अभी फ़िलहाल हमारे पास 6 से 7 वैरायटियाँ अवेलेबल है। तो हर वैरायटी को हम अलग ब्लॉक में रखते हैं, ताकि कोई भी वैरायटी मिक्स ना हो, किसान जो वैरायटी मांगे वही उसको मिल पाए। उसके साथ साथ एक और स्पेशल पौधा आया इस बार ग्रेपफ्रूट का। काफ़ी किसानों की डिमांड रहती थी कि ग्रेपफ्रूट के पौधे भी हमें चाहिए, तो वो भी हम इस बार अवेलेबल हुए हैं नर्सरी पर। ये जो पौधे हैं ये ग्रेपफ्रूट के पौधे हैं, ये देखिए आप, ये डायरेक्ट CCRI से ही आए हैं पौधे। आप सभी को पता होगा जो किसान हमसे पहले से जुड़े हुए हैं कि हमारी जो नर्सरी है वो CCRI से ऑथराइज्ड है, उनके हम को पार्टनर्स हैं। तो जो पौधे यहाँ पे मिलते हैं वो डायरेक्ट CCRI से हम लेके आते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई थी। और कुछ पौधे अब हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी क्वालिटी के हम बना पाएँ। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।